मैं अनिल कुमार यादव, सहायक अध्यापक विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास सिक्स के विज्ञान में इकाई सात जीवों में अनुकूलन भाग एक के अंतर्गत आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। तो बच्चों, जीवों में अनुकूलन किस तरह से होता है, इसके बारे में जानने से पहले हम सजीवों के वास स्थान के बारे में पहले जान लेते हैं कि वास स्थान क्या है। बच्चों, हम अपने इस वातावरण में, परिवेश में बहुत से जीवों को देखते हैं। कुछ जीव स्थल पर पाए जाते हैं, कुछ जंतु तथा पौधे जल में पाए जाते हैं, जल में निवास करते हैं। तो कोई भी जीव जिस स्थान पर रहता है उसे उसका वास स्थान कहते हैं। कोई जीव जिस स्थान पर रहता है उसे उसका वास स्थान कहते हैं। तो वास स्थान की परिभाषा क्या होगी? वास स्थान क्या है? वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं जो उसको चाहिए उपलब्ध होती हैं उसे उसका वास स्थान कहते हैं। फिर से देखते हैं बार, वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं उसे उसका वास स्थान कहते हैं। और वातावरण में सजीवों का जो वास स्थान है वो जल स्थल, वायु तथा मरुस्थल। तो बच्चों, वास स्थान के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है जलीय जीव। इसके बारे में बच्चों हम आपको पिछले अध्याय में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार पुनः आपको बता देते हैं जलीय जीव, स्थलीय जीव, मरुस्थलीय जीव और उभयचर जीव क्या होते हैं। तो जलीय जीव जल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? जलीय जीव। जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव, जैसे मछली है, सिंघाड़ा है, कमल है, जलकुंभी है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। जल के अंदर इनको सभी आवश्यक दशाएँ जो आवश्यक होती हैं वो इनको प्राप्त होती हैं और ये जल में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जलीय जीव। जैसे मछली, सिंघाड़ा, कमल, जलकुंभी आदि। इसके बाद है बच्चों दूसरा स्थलीय जीव। स्थलीय जीव क्या होते हैं? स्थल पर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? स्थलीय जीव। जैसे गाय है, भैंस, बकरी, घोड़ा, आम, अमरूद, नीम, जामुन, कटहल, ये सब क्या है? स्थल पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्थलीय जीव। स्थल पर इन्हें सभी आवश्यक दशाएं उपलब्ध होती हैं, प्राप्त होती हैं, इसलिए कहाँ पर रहते हैं? स्थल पर रहते हैं। इसके बाद अगला है बच्चों मरुस्थलीय जीव। मरुस्थलीय जीव क्या होते हैं? मरुस्थल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय जीव। जैसे ऊंट, ये क्या है? मरुस्थलीय जीव है। बबूल है, नागफनी है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मरुस्थलीय जीव। इसके बाद है बच्चों अगला उभयचर। उभयचर ऐसे जीव जो जल तथा स्थल दोनों पर निवास करते हैं, दोनों जगह पाए जाते हैं, दोनों जगह रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयचर। जैसे मेंढक है और मगरमच्छ है, ये सब क्या है? उभयचर, क्योंकि ये जल और स्थल
दोनों जगह पर रहते हैं, दोनों जगह पाए जाते हैं, दोनों जगह अपना निवास बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उभयचर। तो बच्चों आप वास स्थान क्या है, वास स्थान के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आप अध्ययन कर लिए। अनुकूलन को अंग्रेजी में एडाप्टेशन कहते हैं। अनुकूलन है क्या? प्रत्येक जीवधारी को निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं आवश्यक होती हैं। इन्हीं उपयुक्त दशाओं के आधार पर जीवधारी में अपने आप को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। बच्चों अनुकूलन की परिभाषा क्या होगी? आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। एक बार फिर से हम अनुकूलन की परिभाषा को देखेंगे। आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। जंतुओं तथा पौधों में जलीय, स्थलीय तथा वायवीय अनुकूलन की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। ये बच्चों अनुकूलन तीन प्रकार का होता है, जलीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन और वायवीय अनुकूलन। तो सबसे पहले हम जलीय अनुकूलन के बारे में जानेंगे कि जलीय अनुकूलन है क्या। बच्चों जलीय जंतुओं के बारे में, जलीय जीवों के बारे में हमने आपको अभी इसके ठीक पहले अध्ययन कराया है। अब जलीय अनुकूलन है बच्चों, धान की रोपाई करते समय, कपड़े की धुलाई करते समय जब काफी देर तक हम जल में रहते हैं तो हमारे हाथ पैर की जो त्वचा होती है, चमड़ी होती है, उसी को मैं क्या यही सब विशेषताएं जो जल के अंदर जीव पाए जाते हैं, जैसे मछली है, मेंढक है, या जल के अंदर जो पौधे निवास करते हैं, क्या उनमें भी ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि वो जीव जल में रहने के लिए अनुकूलित हैं और हमारा शरीर जल में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, इसी कारण हमारे हाथ पैर की त्वचा जो है वो सिकुड़ जाती है। तो बच्चों जल में रहने वाले जीवों के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, इस जलीय अनुकूलन के अंतर्गत हम जलीय जंतु और पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जलीय जीव मछली के बारे में आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। किन विशेषताओं के कारण मछलियां जो है जल के अंदर जीवित रहती हैं, जल के अंदर निवास करती हैं, उनके अंदर क्या अनुकूलन होता है, क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, आइए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों मछलियों के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं, जो आप देख रहे हैं ये क्या है? जलरोधी सल्क है जो इन्हें कीचड़ से, पानी से, सड़ने से बचाते हैं। अगर ये जलरोधी सल्क न पाए जाते तो मछलियां जो है पानी में सड़ जाती, इनकी जो त्वचा ये क्या हो जाती? खराब हो जाती, सड़ जाती, यानी मछली जो है जल में रहने के लिए अनुकूलित तब नहीं होती। तो ये जलरोधी सल्क जो होते हैं ये इनको सड़ने से, पानी से इनकी रक्षा करते हैं। मछलियों में बच्चों गर्दन का अभाव होता है। मछलियों में पूंछ और पखने पाए जाते हैं जिसकी सहायता से मछली आसानी से जल में तैरती है, प्रचलन करती है, और ये पखने और पूंछ इनको मुड़ने में मदद करते हैं, पानी को चीरने में सहायक होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो धारा रेखित होता है जो पानी को चीरने में सहायक होता है। आप पूंछ को देख रहे हैं, ये इसमें जो पखने हैं। और बच्चों
मछलियों के शरीर पर जलरोधी सल के अतिरिक्त इनकी आंखों पर जो है निमेषक पटल पाई जाती है जो पानी और कीचड़ से इनकी सुरक्षा करती है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण मछलियां जल में जीवित रहती हैं। और बच्चों, मछलियां जो है पानी में गलफड़ों के द्वारा, गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं, श्वसन की क्रिया को करती हैं। तो इन्हीं सब विशेषताओं के कारण मछलियां जल में निवास करती हैं, मछलियों के अंदर अनुकूलन होता है, ये सब विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण मछली जल में रहने के लिए अनुकूलित होती है। अब इसके बाद बच्चों, इसी जलीय अनुकूलन के अंतर्गत पौधों के बारे में, उन पौधों के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं। बच्चों, जल में रहने वाले जो पौधे होते हैं उनका तना और पत्तियां जो होती हैं बहुत कोमल होती हैं। उनके तने और पत्तियों में मृदुतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। काष्ठी उतक की मात्रा जो है वो अल्प होती है, बहुत कम होती है। जल में रहने वाले पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कटी फटी होती हैं, तैरने की अवस्था में होती हैं। जड़ तंत्र जो होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, यानी गहराई में अधिक नहीं जाते हैं। इन पौधों की पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है और पौधों की पत्तियों में वायुकोष पाए जाते हैं जिसके कारण इनकी पत्तियां जो हैं जल में तैरती हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ये पौधे जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो बच्चों, आप जलीय अनुकूलन के अंतर्गत जलीय जीव मछली और जलीय जीव पौधों के बारे में, ये पौधे कौन कौन से हैं। जलीय पौधे सिंघाड़ा है, वेलिस्नेरिया है, जलकुंभी है, कमल है, ये सब जल के अंदर पाए जाते हैं। इन पौधों के अंदर जो अभी हमने विशेषताएं बताया वो विशेषताएं इन पौधों के अंदर पाई जाती हैं जिसके कारण ये पौधे जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब इसके बाद है बच्चों अगला, स्थलीय अनुकूलन। बच्चों, स्थल पर कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, तो क्या सब जगह एक ही प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? नहीं। स्थल पर, धरातल पर, मैदानों पर जो जंतु पाए जाते हैं उनमें चार पैर होते हैं, श्वसन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसकी सहायता से ये जंतु प्रजनन करते हैं। और इसी स्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत मरुस्थल में रहने वाले जीवों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आइए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों, स्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट के बारे में आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। तो बच्चों, किन विशेषताओं के कारण ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित है? बच्चों, ऊंट का जो शरीर होता है वो बहुत भारी होता है, शरीर लंबा होता है, इनके शरीर में उबड़ पाया जाता है जिसमें वह भोजन पानी को इकट्ठा करता है। और इनका जो पैर होता है वो गद्दीदार होता है, तलवे चौड़े होते हैं जो गर्म बालू पर चलने में मदद करते हैं। जब गर्मी का महीना आता है, बालू एकदम गर्म हो जाती है, तो ये गद्दीदार पैर, चौड़े तले वाले पैर उस गर्म बालू पर आसानी से दौड़ते हैं, चलते हैं, जिसके कारण ऊँट अपना जीवन यापन करता है। ऊँट एक बार में अधिक से अधिक पानी पी लेता है और कई दिनों तक इसको पानी यदि नहीं मिले फिर भी अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से चला सकता है, जबकि अन्य जीवों में ऐसा नहीं होता है, उन्हें प्रतिदिन पानी की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ऊंट जल, ऊंट रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित होता है। रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, ऊंट का शरीर लंबा होता है जिसको वह
पौधों को आसानी से खा लेता है, जबकि अन्य जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। तो इन्हीं सब विशेषताओं के कारण जो है ऊंट रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित होता है। तो बच्चों, स्थलीय अनुकूलन में आप ऊंट के बारे में पढ़ लिए, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। अब बच्चों, स्थलीय अनुकूलन में आप पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्थल पर रहने वाले यानी मरुस्थल में रहने वाले पौधों के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, मरुस्थल में रहने वाले पौधों का जो तना होता है वो मांसल, चपटा, हरा और स्पंजी हो जाता है, जो भोजन बनाने के साथ साथ जल संचित करने का कार्य भी करता है। इनकी जो जड़ें होती हैं वो जल को ग्रहण करने के लिए अत्यधिक गहराई में जाती हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए पत्तियां मांसल तथा या कांटों या सलकों के रूप में पाई जाती हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ये पौधे मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जैसे नागफनी, घीकुआर, सतावर, भड़वंडा। भड़वंडा ये सब क्या है? मरुस्थलीय पौधे हैं। इन पौधों के अंदर ये सब विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण ये मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे है तीसरा अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन। बच्चों, कीट तथा पक्षी हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके शरीर के अंदर इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं जो वायु में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। कीटों में बच्चों, कीटों का जो शरीर होता है वो हल्का होता है, अन्य अकशेरुकी जंतुओं की अपेक्षा जो है इनका शरीर जो है हल्का होता है। तो बच्चों, जब कीट हवा में उड़ते हैं तो अपने दो जोड़ी पंखों को फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, इसमें हवा भरती और निकलती है, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है और आसानी से हवा में ये उड़ते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ये कीट हवा में उड़ते हैं, जैसे मधुमक्खी है, घरेलू मक्खी है आदि। इसके बाद बच्चों, पक्षियों में किस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। पक्षियां हवा में उड़ती हैं, हवा में उड़ने के लिए इनका शरीर अनुकूलित है। ब्लैक बोर्ड पर अंकित चित्र पक्षी को आप देख रहे हैं। बच्चों, पक्षियों का जो शरीर होता है वो धारा रेखित नौकाकार होता है, जिससे ये आसानी से वायु में उड़ती हैं। इनमें पंख पाए जाते हैं, इनके जो अग्रपाद हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने में मदद करते हैं। इनकी जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो खोखली होती हैं, वायु से भरी होती हैं, जो उड़ने में मदद करती हैं। इनके शरीर के अंदर वायुकोश पाया जाता है, इसमें हवा भरी रहती है और हवा भरने से इनका शरीर हल्का हो जाता है, जो उड़ने में मदद करता है। तो बच्चों, इन्हीं सब विशेषताओं के कारण पक्षियाँ वायु में उड़ती हैं। तो बच्चों, आप जलीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन और वायवीय अनुकूलन के बारे में अध्ययन कर लिए, अब इसको आप अच्छी तरह से दोहराएंगे, याद करेंगे। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।